हाय गाइस, आज हम जो है टॉप 10 साइबर अटैक स्लैश हैकिंग की बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, पुणे का एक बैंक है कॉस्मोस बैंक और बहुत पुराना बैंक है ये, और 2018 में यहां पर जो है साइबर अटैक हुआ इनके ऊपर। होता क्या है, अगस्त 11 को जब सैटरडे होता है और बैंकिंग सिस्टम इतने एक्टिव नहीं होते, तो एक हैकर ग्रुप ने पूरा का पूरा एक स्ट्रेटजी बनाई और उनका कोर बैंकिंग सिस्टम जो CBS होता है उसको बाईपास कर दिया। इनफैक्ट ATM का भी पूरा सिस्टम जो होता है उसको भी बाईपास कर दिया। और उस CBS में होता क्या है, वो ये डिसाइड करता है कि जो भी यूजर अपने अकाउंट से पैसे डेबिट कर रहा है उसके अकाउंट में इतना पैसा है या फिर नहीं, उसी को ही बाईपास करना सबसे बड़ा लाइक साइबर अटैक उसको बनाता है। ऊपर से इस हैकर ग्रुप ने जो है डार्क वेब पे जाकर इस बैंक के यूजर्स का डाटा खरीदा और उनके ATM कार्ड का क्लोन तक करा। इनफैक्ट इन लोगों ने ऐसा सेटअप किया था कि ATM पे लोग थे जो पैसे विड्रॉ करेंगे, और क्योंकि CBS हैक था तो कितनी भी अमाउंट विड्रॉ हो रही थी। और बात यहां पर खत्म नहीं होती, इन लोगों ने जो है 12,000 ट्रांजेक्शन अलग करी जो कंट्री से बाहर पैसे भेजते हैं वीजा कार्ड के थ्रू, और 3,000 के करीब करीब रूपे कार्ड से भी इन लोगों ने ट्रांजैक्शन करी। तो टोटल 80 करोड़ जो है अगस्त 11 को हमारे इंडिया से बाहर पैसा चला गया। स्टोरी का क्रेजी पार्ट तो ये है, जब हमें लगा कि अटैक खत्म हो गया है सैटरडे को, क्योंकि उस टाइम पे बैंक सिस्टम एक्टिव नहीं थे, इन लोगों ने जो है मंडे को एक और ट्रांजैक्शन करी इंडिया से बाहर सीधा हांगकांग बेस्ड अकाउंट में, और वहां से मंडे को ही 14 करोड़ रुपए जो है हांगकांग ट्रांसफर हो गए। तो टोटल जो है 94 करोड़ रुपीस का ये पूरा अटैक था। ये माइंड ब्लोइंग हो गया था सबके लिए। और करंट स्टेटस की बात करूं तो 2020 में जो है 5.72 करोड़ जो है रिकवर कर लिए इस पूरे अटैक के, जो हांगकांग में पैसे भेजे थे वहां से, और साथ में कुछ 14 से 15 लोग अरेस्ट भी हुए हैं जो इस हैकिंग में इन्वॉल्व थे। अब नेक्स्ट हैक जो है वो 1990 का है, जो कि एक LA बेस्ड रेडियो स्टेशन के ऊपर हुआ। आप लोग को पता होगा जनरली जो रेडियो स्टेशन होते हैं वो नए नए कॉन्टेस्ट लेके आते रहते हैं। तो उस LA-based रेडियो स्टेशन ने डिसाइड किया, हम भी एक कॉन्टेस्ट लेकर आएंगे जहां पर फ्राइडे को हम 3 गाने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बजाएंगे, और जो भी 100 सेकंड कॉलर होगा उसको एक पोर्शे कार गिफ्ट में मिलेगी। और इस कॉन्टेस्ट पे इंटरेस्ट आता है केविन पुल्सन का, जिसने उस रेडियो स्टेशन को आगे जाकर हैक किया। तो फ्राइडे का दिन आ जाता है और वो गाने जो है पर्टिकुलर ऑर्डर में बजते हैं, और रेडियो स्टेशन पे जो है कॉल्स आनी शुरू हो जाती है। और मजे की बात तो ये होती है कि केविन पुल्सन जो है हर एक चीज जो है कंट्रोल कर रहा होता है, हर एक फोन लाइन उसके अंडर कंट्रोल होती है। और जैसे ही केविन देखता है कि 100 सेकंड कॉल आने वाली है, वो सारी कॉल्स को ब्लॉक कर देता है और वो फोन मिलाता है 100 सेकंड कॉल पे और कहता है कि मजे की बात, वो पोर्शे कार जीत जाता है। और कुछ टाइम बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि उसने हैक किया था, और 1994 में उसको जेल होती है रेडियो स्टेशन हैक के लिए भी और बाकी और हैकिंग के लिए भी। और क्या आपको पता है, अभी रिसेंटली 2022 के अंदर ही जो है 25 यूट्यूब चैनल्स को भी जो है एक तरीके से टेक ओवर कर लिया गया, और वहां पर सिमिलर वीडियोस अपलोड हुई वन वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी के नाम से, और वो एक अजीब सा कोड होता है और फिर सडनली वो वीडियो डिसअपियर भी हो जाती है और किसी का चैनल हार्म भी नहीं होता। वो भी एक बहुत क्रेजी बाईपास था जो रिसेंटली अभी आया है यूट्यूब पे। जो नेक्स्ट अटैक है वो बहुत बड़ा है, और ये हुआ था 2014 में, वो भी सोनी पिक्चर्स के ऊपर। अब ऐसा बताया जाता है कि ये जो हैक है ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से हुआ था, क्योंकि है ना सोनी पिक्चर्स एक मूवी रिलीज करने वाले थे द इंटरव्यू नाम से, और उसमें जो है नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है उनको गलत तरीके से दिखाया था। तो सडनली लेट नवंबर में जो है सोनी पिक्चर्स का पूरा नेटवर्किंग सिस्टम हिल जाता है और पूरा का पूरा टेराबाइट्स ऑफ डाटा इनका हैक हो जाता है, और सारी स्क्रीन पे एक मैसेज आता है। और टाइम चलते हैकर ग्रुप्स ने जो है सोनी पिक्चर्स की 4 अनरिलीज्ड मूवीज जो है पब्लिकली पब्लिश कर दी, और उनकी जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका परफॉर्मेंस सैलरी सारा जो डाटा होता है वो भी पब्लिकली लीक कर दिया था। मोरओवर हैकर ग्रुप्स ने जो है जर्नलिस्ट तक को पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भेज दी थी सोनी पिक्चर्स की।
और इतने जो है सोनी पिक्चर्स का जो नेटवर्क हैक हुआ था उसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा, और जितने भी एम्प्लॉयज थे सोनी पिक्चर्स के वो व्हाइट बोर्ड पर काम कर रहे थे, उनका सिस्टम इतना डैमेज था। इनफैक्ट सोनी पिक्चर्स ने सोच लिया था कि द इंटरव्यू मूवी ये लोग रिलीज नहीं करेंगे, फिर प्रेसिडेंट ओबामा ने सपोर्ट किया सोनी पिक्चर्स को और बोला डू नॉट गेट इनटू अ पैटर्न इन व्हिच यू आर इंटिमिडेटेड By these kinds of criminal attacks. हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे और ये मूवी रिलीज होगी, और ये मूवी रिलीज लास्ट में हुई भी। अब नेक्स्ट हैक जो है 1999 में होता है, जब लोगों के हाथ में कंप्यूटर्स आने लगे थे और ईमेल बहुत ज्यादा यूज होने लगा था, और उस टाइम पे जो है लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो एक हैकर डेविड एल स्मिथ ने एक वायरस बनाया जिसका नाम था मेलिसा, और फन फैक्ट ये वायरस का नाम जो है एक स्ट्रिपर से इंस्पायर्ड था। ये मेलिसा वायरस जो है वह डॉक्यूमेंट के थ्रू फैलता था, और आउटलुक पे लोगों के पास एक ईमेल आती थी, हियर इज अ फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर, डोंट शो इट टू एनीवन एल्स। और जैसे ही कोई इस फाइल को ओपन करता था तो उसकी आउटलुक में 50 लोगों को सेम ईमेल फॉरवर्ड कर दिया जाता था, और ये पहला सक्सेसफुल ईमेल अवेयर कंप्यूटर वायरस था। और इसके चलते हुआ ये, इंटरनेट बहुत स्लो हो गया क्योंकि इतने ज्यादा ईमेल फॉरवर्ड हो रहे थे कि बहुत सारी कंपनीज के जो मेल सर्वर है वो ओवरलोड होने लगे, और लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट को अपना मेल सर्वर शट डाउन करना पड़ा। ऊपर से 1 मिलियन ईमेल अकाउंट जो है पूरे बर्बाद हो चुके थे, और इन सब की वजह से जो है एंटीवायरस की सेल बहुत ज्यादा बूस्ट होने लगी। और कुछ टाइम बाद जो है स्मिथ पकड़ा गया जिसने वायरस बनाया था, और उसको जो है 20 महीने की जेल हुई और $5,000 का फाइन भी, और ये बात 1999 की है, बोलना मत। और अब बात करते हैं वर्ल्ड के सबसे पहले डिजिटल वेपन की जिसका नाम है स्टक्सनेट, और ये सबसे पहले जो है ईरान में मिला था 2010 के अंदर। और ऐसा बताया जाता है कि इसराइल और यूएस ने मिलकर ये वर्म बनाया था जिससे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को स्लो किया जाए। इस ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को स्लो इसलिए करवाना था यूएस और इसराइल को जिससे रीजनल वॉर ना शुरू हो जाए। पता है इस अटैक को एग्जीक्यूट कैसे करा था? जो ईरानियन की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे ना, वहां पर कोई भी इंटरनेट नहीं था, बहुत मुश्किल था वहां तक वो वर्म पहुंचाना, वो अटैक पहुंचाना। तो ऐसा माना जाता है कि स्पेशल एजेंट्स के थ्रू ईरानियन फैसिलिटीज के अंदर गए और वो यूएसबी स्टिक उनके सिस्टम में डाली और तब जाके इन्फेक्ट हुआ। और इन्फेक्ट 15 से ज्यादा फैसिलिटीज इन्फेक्ट हुई, उसमें 200,000 मशीन्स इन्वॉल्व थी। और इन्फेक्ट होने के बाद जो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स थे वो धीरे धीरे स्लो डेवलपमेंट में होते चले गए, लाइक काफी ज्यादा स्लो। तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल था जहां से हमें दिखता है कि साइबर वॉर कैसे होती है डिजिटली। नेक्स्ट हैक जो है मेरे हिसाब से हम लोगों से रिलेटेड है। मतलब हम जब भी घूमने जाते हैं तो हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर लेते हैं होटल्स की, और ये जो हैक है ये बहुत बड़ा था, और ये हुआ था मैरियट पे। 2014 से लेके 2018 तक जो मैरियट है उसके डाटा जो है हैकर्स के हाथ लग चुका था, और 4 साल तक खबर तक नहीं थी उनको। और आप नंबर सुन के हैरान हो सकते हो क्योंकि 500 मिलियन गेस्ट का जो सेंसिटिव डाटा है वो हैकर्स के हाथ लगा हुआ था, जैसे कि उनका नेम, जेंडर, एज, पासपोर्ट नंबर, पेमेंट की डिटेल्स, ऐसी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन 4 साल तक बिल्कुल ओपन थी। फिर सडनली 2018 में मैरियट के इंटरनल सिक्योरिटी टूल ने पकड़ा एक अजीब सी एक्टिविटी कि उनका जो रिजर्वेशन वाला डेटाबेस है उसमें कोई एक्सेस कर रहा है, और फिर वहीं से मैरियट को पता लगा कि उनका डाटा जो है हैकर्स ने इनक्रिप्ट कर लिया है और उड़ा भी दिया है, गायब कर दिया है पूरा। और इस पूरे अटैक का रीजन बताया जाता है कि मैरियट जो है अपडेटेड सिक्योरिटी टूल्स यूज नहीं कर रहा था, मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी उन लोगों के पास इसलिए। और ये जो मैलवेयर था ना, जो अटैक था, ये ईमेल के थ्रू हुआ था मैरियट पे, और लास्ट में जो है मैरियट को बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारे मिलियन डॉलर्स की पेनल्टी देनी पड़ी, और जो उनका गेस्ट का जो सेटिस्फेक्शन स्कोर है वो भी बहुत नीचे गिर गया था। नेक्स्ट अटैक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 15 साल की उम्र में नॉर्मल लोग जो है क्या बोर्ड्स की तैयारी करते हैं या फिर नॉर्मल क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं गली में, लेकिन 15 साल के लड़के ने 1999 में नासा और पेंटागन को हैक कर लिया था, और इस हैक की वजह से नासा को जो है 21 दिन के लिए अपने सिस्टम शट डाउन करने पड़े थे। इनफैक्ट पेंटागन के 2300 ईमेल एड्रेसेस को यहां पर उस हैकर ने ले लिया था, और $1.7 मिलियन का
एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वो तक डाउनलोड कर लिया था नासा का। और इस 15 साल के हैकर का नाम था जोनाथन जेम्स। जब जोनाथन से पूछा गया कि उसने कैसे किया, तो उसका कहना था कुछ वीक सिक्योरिटी थी, उसने उसको एक्सप्लोइट किया और उसने यूनिक्स और सी की किताबें बहुत ध्यान से पढ़ी हुई थी, तो उसने बहुत इजीली अटेम्प्ट कर दिया। और ये सब कुछ रिपेयर करने में जो है नासा के $41,000 लगे थे उस टाइम पे। और फिर एक साल बाद 26 जनवरी 2000 में वो लड़का पकड़ा गया, उसके घर पे रेड पड़ी और उसको 7 महीने के लिए हाउस अरेस्ट पे रखा गया। और इस पूरे सीन में मजे की बात ये है कि जो जोनाथन है उसके फादर बहुत प्राउड थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो 20 साल से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे जैसा उनके बेटे ने करा। तो लाइक यहां पर प्राउड फादर लास्ट में कंक्लूजन में आते हैं। नेक्स्ट अटैक जो है 1988 का है, जब इंटरनेट की दुनिया बहुत ज्यादा नई थी, जस्ट कुछ ही लोग हुआ करते थे उस टाइम पे जो इंटरनेट यूज करते थे। और उस टाइम पे DOS डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है और ये हिस्ट्री का पहला मैलवेयर अटैक भी माना जाता है। और मजे की बात ये है कि ये 23 साल के रॉबर्ट मॉरिस लड़के ने बनाया होता है। और ये जो मैलवेयर है रॉबर्ट मॉरिस ने MIT के नेटवर्क को हैक करके लॉन्च करा था जिससे वो पकड़ा ना जाए। लेकिन रॉबर्ट मॉरिस की जो इंटेंशंस थी वो गलत नहीं थी, क्योंकि वो बस ये टेस्ट करना चाहता था कि जो नेटवर्क है ये कितना सिक्योर है, कितना लोड झेल सकता है। इसमें होता क्या था कि उस टाइम पे 6000 कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय टाइप हो गए थे। और इस वायरस का जो नाम है ना वो मॉरिस था, रॉबर्ट ने अपने लास्ट नेम पे रखा था। और ये पकड़ा भी नहीं जाता, लेकिन इसके दोस्त ने जो है न्यूयॉर्क टाइम को जाकर टिप दे दी कि ऐसे एक जो काम होने वाला है इंटरनेट पे और ये रॉबर्ट मॉरिस ये काम करने वाला है, नहीं तो वो पकड़ा भी नहीं जाता। और फिर एक साल बाद 1989 में जो है रॉबर्ट मॉरिस पकड़ा गया और उसको जो है 400 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की पेनल्टी लगी और साथ में $10,000 का फाइन भी लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज के टाइम पे रॉबर्ट मॉरिस जो है MIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोफेसर है। गाइस, हम लोगों को ना अपनी प्राइवेसी बहुत मैटर करती है और इनफैक्ट एप्पल या फिर जो बाकी ब्रांड है वो दिन पे दिन प्राइवेसी इंप्रूव करते जा रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसमें आपको सिर्फ एक मिस कॉल आएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मिस कॉल आई है और आपके पूरे फोन का या फिर डिवाइस का एक्सेस एक बंदे के हाथ में होगा, A to Z चीजें। इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं पेगासस से। ऐसा माना जाता है कि इजराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप, उसने ये डेवलप किया था। और इसको डेवलप करने का रीजन भी बड़ा सिंपल है, जिससे गवर्नमेंट इसको खरीद सके और क्रिमिनल्स या फिर टेररिस्ट के ऊपर एक ट्रैक रख सके। और माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि ये हर एक डिवाइस पे वर्क करता है, चाहे iOS, Android, Windows, इनफैक्ट जो नोकिया के सिम्बियन डिवाइसेज है जो पहले आते थे उन पर भी ये इंस्टॉल किया जा सकता है। स्केरी बात तो ये है कि एक बार फोन में पेगासस इंस्टॉल हो गया तो वो रियल टाइम कैमरा और माइक को सर्विलेंस की तरह भी यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट आपकी हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन वो पेगासस ले सकता है, चाहे फिर वो लोकेशन हिस्ट्री हो, फोटोज, वीडियोस, एवरीथिंग। और जुलाई 2021 में जो है 50,000 फोन नंबर लीक हुए थे जिनपे ऐसा बताया जाता है कि सर्विलेंस करी गई थी, ऐसे रियल टाइम ट्रैकिंग की गई थी। और उसमें बहुत सारे पॉपुलर नाम है जैसे कि अनिल अंबानी, राहुल गांधी, फ्रांस के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे नाम इंक्लूडेड है। और करंट सिचुएशन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आई लव यू गाइस, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। खैर, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ईयर 2000 में यहां पर एक वायरस था जिसका नाम था आई लव यू। और ये वायरस जो है एक 24 साल के लड़के ने बनाया था जो कि फिलिपिन में रहता था। और इस वायरस के बनाने का बड़ा सिंपल सा रीज़न था उसका कि वो चाहता था कि सबके वाईफाई का पासवर्ड उसको मिल जाए। लेकिन ये वायरस बहुत डिफरेंट तरीके से उसने रिएक्ट किया। इसमें होता क्या था कि एक ईमेल आता था आउटलुक पे और उसमें एक फाइल अटैच होती थी जिसमें लिखा होता था alovelatterforyou.txt और ये एक VB स्क्रिप्ट की फाइल थी। बट VBS वाला जो एक्सटेंशन है वो हमेशा हिडन रहता था, सिर्फ TXT लगता था। लोगों को लगता था कि टेक्स्ट फाइल है, एक लव लेटर आया है और उसको खोलते थे और उसको खोलने के बाद सिस्टम की सारी फाइल्स डैमेज हो जाती थी। और इतना ही नहीं, जो भी उस फाइल को खोलता था ना उनके ईमेल एड्रेस में जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको ये सेम ईमेल आगे फॉरवर्ड हो जाता था।
और फिनोमिनल नंबर्स में जो है कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हुए, ऐसा बताया जाता है कि 10% इंटरनेट यूजर्स इस वायरस से इन्फेक्ट हुए थे। इनफैक्ट इस अटैक को रोकने के लिए ना कंपनीज ने जो है आई लव यू वर्ड को फिल्टर करना शुरू कर दिया, लेकिन हैकर्स ने इसी वायरस को नए नए तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि जोक फॉर यू डॉट txt फाइल आने लगी या फिर मदर्स डे स्पेशल डॉट txt फाइल आने लगी और वो सेम चीजें फिर होती थी। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल तो ये है कि वहां पर वायरस अलर्ट लिखा आता था और लोगों को लगता कि वायरस आ गया है, फिर वो उस txt फाइल पे क्लिक कर देते थे बचने के लिए, फिर ये साइकिल हमेशा की तरह कंटिन्यू रही और लोग इन्फेक्ट होते रहे। और ये जो आई लव यू वायरस ने एक वर्म था और बहुत सारी कंपनीज ने जो है अपना मेलिंग सिस्टम ही बंद कर दिया था जिससे वो प्रोटेक्टेड रह सके, और ऐसा बताया जाता है कि $5-8 billion का ये डैमेज कर गया था और इसको ठीक करने में $10-15 billion लगे। और हाँ, लास्ट में इसका एंड कुछ ऐसे होता है कि एंटीवायरस जो कंपनीज है उन्होंने स्टेप अप किया, तब जाके इसका कुछ एंड हुआ। और यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और मजा भी आया हो। अगर आया है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।